हे गाइस, आज हम आए हैं रियान के स्कूल में। एक्चुअली रियान का स्कूल तो नहीं बोल सकते, लेकिन सोच रहे कि यहीं पे एडमिशन करेंगे, तो उसका फॉर्म लेने आए। प्रेस्पेक्टस वगैरह देख लेते हैं, तो वो अभी जा रहे हैं। ये देखो रियान भी आया है। रियान हैप्पी है? रियान को स्कूल पसंद आया है कि नहीं? हाँ। और सबसे खास बात तो ये है कि हस्बैंड भी यहीं पे पढ़े थे, मतलब क्लास 8 तक ना। हाँ, क्लास 8 तक यहीं पे पढ़े थे, तो रियान भी यहीं जाएगा। वो वाला ना, हाँ वो वाला हॉस्टल था। तो अभी फॉर्म मिलता है कि नहीं देखते, पूछते हैं। रियान पूरा वाटर बॉटल लेके आया है। बहुत ही बड़ा जगह है, बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है, रियान खेल सकेगा। उधर देखो स्टूडेंट लोग, भैया लोग हैं। ऑफिस इधर ही था ना? पता नहीं, फॉर्म इधर पूछना पड़ेगा, इस साइड पे। क्लासेस हो रहे, चल रहे। चलो ये हो गए। ऑफिस बंद है क्या? उधर है मीटिंग है। ओह अच्छा अच्छा, मीटिंग है बोल रहे हैं, तो थोड़ा रुकते हैं। मीटिंग में बिजी है बोल रहे सिस्टर लोग, तो थोड़ा रुक के लेके जाते। रियान अपना स्कूल देख रहा है। ओ रहा, देखो वो अच्छे से। हमारे नज़दीकी स्कूल ही यही है जहाँ रियान पढ़ सके। ओ देखो ABCD लिखा हुआ है। बहुत ही बड़ा जगह है लेकिन ना। वो रियान भी योगी लेकिन बाबा योगी लेकिन ने वो रियान है योगी लेकिन था मामा इच्छा जी पूछा था था वो कुमाई आयो इतनी नोट्स था ये बड़ा फ्रेंड जंग ना दा अंग नो लेज़र टाइम कुमा थे उनको शुपाई हे ला स्टूडेंट रा हे नंको नहीं गए थे ना रुक रहे, वेट करते हैं हम ना बाबा सिस्टर को वेट करते हैं, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन ले निकालना है ना। कब होगा रियान का एडमिशन? आज से होगा ना? क्या होगा? कैसा कैसा होगा पूछना पड़ेगा, फिर जाएंगे। फिर तब तो रियान स्कूल आ सकेगा, है कि नहीं? रियान को स्कूल पसंद आया कि नहीं पहले बोलो। नों स्कूल को मोजां मोनदों ना मोजाखै मोनाखै बाबा मोनदों मोनदों ये फैगोन दा याव याव फैगोन दा फाइनल रियान को लड़की दिखाने लेके आया जैसा हो गया स्कूल दिखाने लेके हां आज ही पढ़ाई करेगा क्या रियान? आज ही पढ़ के जाएगा? पापा भी यही पढ़े थे तो ना, पापा को पूछो ना। बाबा या बोल नों भाई दिबा बाबा यावनो पढ़ाइदों मन हॉस्टेलाव थादों मन जो ओय मन बाबा ने हॉस्टेलानो ओयो थायो मन बाबा या सिस्टर पहले पीछे है, सिस्टर आगे आगे है ना, उधर आगे सिस्टर। चलो पूछते हैं, चलो सीट अप बाबा सीट अप। फॉर्म इज देयर, एप्लीकेशन फॉर्म आई विल गिव यू नो, सो व्हेन यू फिल एंड ब्रिंग दिस वन एंड देन इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू नीड वन डे। My name is Sandy. Hello, is this Haibu? Hello. Hi. Hi. फॉर्म तो मिल गया, एडमिशन स्टार्ट हो गया, मतलब कल से स्टार्ट हो गया। आएंगे हम 2-3 दिन बाद, तो कुछ कुछ लेके आना है, आधार कार्ड वगैरह बनाना पड़ेगा। अभी चलते हैं घर है कि नहीं रियान? रियान को अपना स्कूल पसंद आया? अपन फोटो क्यों ना गो के? फोटो लेना है अच्छा सा। मुझे नहीं दे वाले। दे दे इसे नहीं। मुझे नहीं। इको स्कूल आओ ना गो ना। कल कलर ठीक है अभी? सीधा था। सीधा कैमरा बनाए दे। कैमरा ठीक नहीं ना गो दे। कैमरा ठीक नहीं ओके? दे। नहीं। कैमरा ठीक। ये प्रमाण नहीं है। दे कैमरा दे। नहीं ये प्रमाण नहीं है। हाथे देखे ना कैमरा चिंग कैमरा 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 आई स्पेशल है बिजी खालम ना ले कैमरा उन्हें को ले बिल्ला हॉट कैमरा आगे कैमरा उन्हें क्या पावन है उसे उसे तोड़ था तोड़ था
ये रहा दिया खास खालामबा नोंनि आखाइयाव लेथ्रा नांगोन ना नोंबो जायो नामा हा रियान बाबा घर पहुंच के चलो चलो अभी को बताओ कैसा लगा स्कूल चलो 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 उसका मिठाई क्या लिया रियान ने मिठाओ अब ये खाएगा ना चलो दादी माँ को बताते स्कूल कैसा लगा स्कूल कपड़ा चेंज कर लिया मुंह हाथ भी धोने को नहीं मिला नहीं तो फिर हम बेम्बू काटने आए नहीं तो अंधेरा हो जाएगा इसलिए जल्दी से पहले काट लेते हैं आज तो घूम घूम के पूरा गंदा हो गया हम लोग काम भी नहीं हुआ ओ धीरे से बम्बू हमारा रेडी हो गया अब इसको अच्छे से धो लेते धो लिया है अगर एक में कम पड़ गया तो दूसरा में दे सकेंगे इसको अंदर से धोते अभी हम केले के पत्ते लेने आए केले के पत्ते चाहिए होगा ना बंद करने के लिए हाँ वही ये वाला कर दो ना ये वाला हाँ अंधेरा हो गया रे ना रेडी करते करते देखो होगा एक से होगा और एक ले लेते हाँ होगा शायद ना दो से तो इधर है हमारा चिकन अभी मैरिनेट करते हैं इसको और इधर कलेजी भी लेके आए हैं एक्स्ट्रा फ्राई करके खाने के लिए तो इसको यहाँ पे मैरिनेट करते हैं नमक और थोड़ा सा हल्दी भी दे देते हैं और यहाँ पे है जिंजर गार्लिक और सूखी मिर्च और यहाँ पे है अनियन थोड़ा सा तेल दे देते अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते ताकि हल्दी अच्छे से लग जाए हाथ ना जले बस हाथ से डायरेक्ट को कर लिया मिक्स कर लिया अच्छे से पूरे मसाले को मिक्स कर लिया अभी यहाँ पे स्प्रिंग अनियन और धनिया दे देते थोड़ा ऐसा करके मड़ोड़ के मतलब बिना काट के देने से और ज्यादा अच्छा सुगंध आता है बोलते ना से और यहाँ पे हम देंगे ये लाई पत्ता अच्छे से मिक्स करते हैं फिर इसको बाद में पत्ता ज्यादा ढूंढ के भी नहीं मिलेगा ना क्या पूरा वो हो जाएगा गायब ही हो जाएगा अच्छे से मिक्स कर लिया मैरिनेट कर लिया अभी बेम्बू में डालते हैं एक में हो गया तो नहीं तो दो है हमारे पास तभी डालते इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा बेम्बू में फुल हो गया थोड़ा मुंह बंद करने के लिए भी जगह रखना पड़ेगा तो इसमें डाल लेते हैं अभी दूसरा इसमें पूरा आएगा कि नहीं अभी इसी पत्ते से बंद कर देते बेम्बू का दो मुंह एक हो गया अब एक को बंद कर लेते हैं
अभी हमारा चिकन आग में पकाने के लिए रेडी है, तो चलिए आग में देते। अभी बढ़िया सा आग लगा के दिया, धीरे धीरे यहाँ पे कोयला निकलता रहेगा, तभी स्लो कुक होगा तो बढ़िया से पक जाएगा। ये ठंडे दिन में आग में ऐसा बैठने का मजा ही अलग है ना। कोयला बन रहा है धीरे धीरे, स्लो कुक होना चाहिए ना, तभी अच्छे से बनता है। बढ़िया, अभी हमारा चिकन जो है ना पक गया, मतलब ये जो बेम्बू है ना पूरा साइड साइड से जल चुका है, और हमने काफी देर भी पकाया, लगभग आधा घंटा ही हो गया। ये पक गया है, निकाल लेते अभी। और अभी ना मुझे कलेजी फ्राई करना है यहाँ पे, बाद में मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट। इसको साइड में रख देते थोड़ा ठंडा होने के लिए। उफ, गरम है ऊपर। चिकन को निकालते देखते, ओह जूसी।